दोस्तों हाल ही में जावेद अख्तर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे धर्मेंद्र उन पर भड़क उठे, जो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। चलिए जानते हैं। दोस्तों आप जावेद अख्तर को तो जानते ही होंगे, जो एक कवि है। कहा जाता है कि ये जो लिखते हैं वो पोयम बन जाती है। जावेद अख्तर इंडस्ट्री में काफी टाइम से चलते आ रहे हैं, जहाँ इंडस्ट्री की कई सारी कहानियां उनके पास है। पर हाल ही में जावेद अख्तर ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे हंगामा हो गया। जैसा कि आपको पता है कि कल अमिताभ बच्चन का बर्थडे था, तो रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि जावेद अख्तर ने विशेष मौके पर मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिस बीच उन्होंने अमिताभ बच्चन की एक बहुत पुरानी फिल्म की बात की, जिसके चलते वे कहते हैं कि जंजीर फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन की फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत बदल गई। फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन उनकी आखिरी चॉइस थे, जिस फिल्म के लिए वे ये भी बताते हैं कि उस फिल्म को उन्होंने कई एक्टर्स को ऑफर की, पर सबने वो फिल्म करने से मना कर दिया, जिसमें धर्मेंद्र का नाम भी शामिल था। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसमें हीरो का रोल थोड़ा गंभीर टाइप था, इसी वजह से ज्यादातर एक्टर्स ने वो फिल्म करने से मना कर दिया था। और फिर क्या था, जावेद अख्तर की इसी बात पर धर्मेंद्र भड़क उठे, और जिस मीडिया को जावेद अख्तर ने इंटरव्यू दिया था, उसी इंटरव्यू के कमेंट्स में धर्मेंद्र ने भी जावेद अख्तर को खरी खोटी सुनाई। धर्मेंद्र कहते हैं, जावेद कैसे हो, दिखावे की दुनिया में हकीकतें दबी रह जाती हैं, जीते रहो, दिलों को गुदगुदाना खूब आता है, काश सर चढ़ के बोलने के जादू भी सीख लिया होता। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र साहब एक और कमेंट में लिखते हैं कि जंजीर फिल्म को मना करने के पीछे एक भावनात्मक बाधा थी, जो बात मैंने आपकी अदालत में भी बताई है, तो कृपया मुझे गलत ना समझे। और आखिर में लिखते हैं, मैं हमेशा जावेद और अमित से प्यार करता हूँ। दोस्तों इस बात पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।